बिस्मिल्लाह। आज हम लोग बना रहे हैं आलू मटर। देखिए मैंने प्याज चढ़ा दिए, दो बड़ी प्याज काट ली थी मैंने, उसको चढ़ा दिया 1 कप तेल में। ये मैंने मटर लिए, 1 पाव मटर थे और 4-5 बड़े आलू लिए, 4 सॉरी, उसको मैं ऐसे काट लिए टुकड़ों में। टमाटर लिए 3, मैंने उसको चौ कर लिया, कद्दूकस कर लिए। 6 हरी मिर्चें, 1 टीस्पून जीरा, जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 2 टीस्पून पिसी हुई मिर्ची, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची, ये मसाला है घर का, और ये 1 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, और 1 टीस्पून भरकर कसूरी मेथी, 1 टीस्पून भरकर जीरा, वो धनिया पाउडर सॉरी धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, और 1 टीस्पून चना नमक, ये नमक हसबे जायका, और ये गरम मसाला पिसा हुआ 1/2 टीस्पून। अभी जैसे प्याज दाल होते हैं, हम मसाले ऐड कर देंगे इसमें। देखिए हमारे प्याज ब्राउन हो गए, मिर्चें भी ऐड करें इसमें, ये मसाले भी ऐड करें। हमने मसाले भूने और टमाटर भी ऐड किए। हमारे मसाले जैसे बनेगा उसके बाद हम आलू और ये मटर ऐड करेंगे। आधा कप पानी भी ऐड करें इसमें। जब तक कि पानी नहीं सूख जाता है। जब हम मसाले पकाते हैं तो मसाला काट देते हैं। देखिए ऑयल आ गया पूरा ऊपर, उसके बाद हमें मटर आ गए उसके लिए। इसको 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे अच्छे से। देखिए हमारे आलू मटर का मसाला भू, हमने आलू मटर आलू डाल के भून लिया बहुत अच्छे से, इसमें ऑयल आ गया। अभी हम इसको थोड़ा धनिया भी ऐड कर रहे हैं। अभी हम शोरबे का पानी डालेंगे इसमें। ये 2 मग्गे ऐड करेंगे इसमें पानी के। जितना आपको शोरबा चाहिए उतना आप डाल सकते हैं। हमने इसको इतना पकाना है, ये आलू और मटर अच्छे से गल जाए। हमने 2 गिलास डाले ना, 1 गिलास बच जाए इसमें पानी शोरबे का। अभी हम इसको करते हैं। आँच हमारी तेज़ है, हमने 5 मिनट तक बनेंगे। सालन को हम चेक करेंगे, माशाल्लाह खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है सालन में से।
अभी हम इसके आलू और मटर चेक करते हैं। देखिए आलू भी गल गए और हमारे मटर भी गल गए। देखिए हमारा सालन रेडी हो गया, हम उसका भी डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमने बनाया आलू मटर का सालन, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है इसकी, खाने में भी बहुत ही अच्छा होएगा, टेस्ट होएगी इसकी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाना ना भूलना, बेल आइकन का बटन दबाना ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।